सबसे पहले तो सत श्री अकाल सर, आपने तो नहीं देखा तो होगा नहीं, will be the total area.
नीचे का मूव करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसमें से कोई भी सेगमेंट पूछ सकते हैं, मान लो ये पैच, ये पैच, इस तरह से सब करेगा, अलग अलग इंडिविजुअली आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट इंडिविजुअली इस पैच के लिए भी कैलकुलेट कर ही सकते हैं, पूरा सेक्टर माइनस भी बैठा ट्राइंगल, ये पैच प्लस ये पैच प्लस ये ट्राइंगल, और दूसरा तरीका उससे बताओ, थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये बन जाएगा 66 टाइम्स 2 3 टाइम्स आर स्क्वायर कॉमन, इनफैक्ट 2 भी है ना, तो इट इज आर 5 आर स्क्वायर बाय 3 माइनस 2 3 बाय 4 आर स्क्वायर इनटू 2, सो ये काम कर सकते हो, आर स्क्वायर भी बाहर ले लो, सो 2 आर स्क्वायर इनटू आर बाय 3 माइनस 2 3 बाय 4। इसके दूसरे एक और क्वेश्चन भी सकते हैं आपका, अंदर नहीं जा सकते, बार बार ही पूछ सकते। क्वेश्चन है फाइंड द टोटल एरिया दैट द कर्व कैन ग्रेज, फाइंड द टोटल एरिया दैट द कर्व कैन ग्रेज। इसमें तीन केसेस बनते हैं, पहला एल इक्वल टू ए, दूसरा एल इक्वल टू 3/2a, तीसरा एल इक्वल टू 2a। तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, ओके। सो डायग्राम बनाते हैं, इस तरह क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट तो उसका डायग्राम ही होगा, क्या करेंगे। अगर किसी भी एक पॉइंट से काव बना हो तो वही सर्कल ही डिस्क्राइब करें, तो ये सर्कल ही पहले बना देते हैं, उसका एक रेडियस ले लेते हैं और इसी पे ट्रायंगुलर शेप बना लेते हैं, दिस इज द शेप, है ना। बस क्वेश्चन के लिए एल विल बी इक्वल टू ए, सो ये पूरा एरिया द काव कैन नॉट ग्रीज, बराबर यहाँ से बना हुआ है, ये पूरा इधर से घूम के दूसरे वाले में रो का सी जो सर्कल बनेगा वो तो रो के लेंथ के हिसाब से बनेगा, यहाँ पे इक्वल टू ए था, बट दूसरे वाले केस में मान लो अगर मैं ये सर्कल बनाता हूँ, ये हमारा ट्रायंगल का आउटलाइन होगा, अब ये पूरा कितना है तो 3/2 है, जबकि जो साइड ऑफ ट्रायंगल होगा वो तो सिर्फ ए होगा ना, तो ट्रायंगल अभी ऐसा दिखेगा, जो काउ है अगर ये मेरा हाथ अगर रोप है ये वाला पाम, तो ऐसे यहां तक हम आ सकते हैं, ये पॉइंट हिंज है यहाँ पे, यहाँ तक ऐसे आ सकता है, इसके बाद ये फिंगर ऐसे मोड़ सकता है ना, जो रस्सी दीवार के पैरेलल हो जाएगी वो आगे नहीं जाएगी, लेकिन जितना हिस्सा बाहर होगा ऐसे पहुंच के कितना बार आगे जाए, सो दिस विल आल्सो बिकम अ सर्कल एंड उसका रेडियस सिर्फ ये पोर्शन होगा, कुछ बात नहीं, अगर ये ए है तो ये ए बाई टू होगा, सिमिलरली अगर ए है तो ये ए बाई टू होगा, और ये भी ए है, अगर ये ए है ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, इसके ठीक मिड पॉइंट पे आ जाएगा, ऐसे हो गया, ऐसे हो, सो ऑल द एरियाज दैट द कर्व कैन नॉट ग्रेज, ट्रायंगल के अंदर जा नहीं सकते, यहाँ पहुंच नहीं सकते,
So ये वाला, ये वाला और ये है, तो ये रेडियस है फिर ना, रेडियस क्या लेना है 3 एमआई को बड़े वाले के लिए, क्या होगा 300 की, ये तो दिस एंगल इसका 300 की है ना, सो 300 बाय 360 इनटू पाई, उसका रेडियस 3 एमआई के लिए स्क्वायर प्लस ये और ये वाला, इसका एंगल कितना होगा 120, सो 120 डिवाइड बाय 360 इनटू पाई a by 2 square और ऐसे कितने हैं 2 हैं so this is the total answer ठीक है so it is 5 by 6 into pi 9 by 4 a square plus ये 2 से 120 से 3 हो जाएगा ये बनेगा pi by 3 into a square by 4 into we have 3 times 3 2 times 15 by 8 a square pi a square plus pi a square by 6 और हम सोचो 24 3 45 और 4 49 49 pi a square अब अगर थर्ड ऑफ अभी तक आसान थर्ड वाला में क्या होगा थर्ड क्वेश्चन के लिए पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं और रेडियस 2 सो दिस इज 2 है इसका हाफ विल बी द साइड ऑफ ट्रायंगल है ना तो ये ऐसा कुछ ये सब इधर है सो इसमें ये a है ये भी a होगा ये a है ये भी a होगा वो एक है तो अब सेम लॉजिक से जब यहां पे पहुंचेंगे तो उसके बाद सिर्फ इतना पोर्शन मूव होगा तो ये पूरा जो है वो यहां तक आएगा और ये पूरा जो है वो यहां तक आएगा ये बनेगा नाउ द एरिया नाउ कैन नॉट बी दिस वन एंड दिस वन बाकी तो सारे नहीं ठीक है यहां पे क्या था सब अलग-अलग कैलकुलेट हो गए इसमें कॉमन भी है कौन सा वाला पोर्शन कॉमन है ये वाला अगर आपको ध्यान हो हमने जो पहले क्वेश्चन किया उसका अपर पार्ट यही ठीक है पर यहाँ पे सिर्फ वो है नहीं उसके अलावा मेरा कुछ तो हमने अलग अलग तरीके से कर रहे हैं वो मेथड तो नहीं कि अब ये निकालो उधर निकालो उधर निकालो ऐड करो बट उसको थोड़ा अलग तरीके से करेंगे देखते हैं ये लेंथ कितना होगा ये लेंथ कितना होगा ए ओ सो ये भी ट्रायंगल बन गया दिख नहीं रहा है सर देखिए यहाँ पे बन जाओ ठीक है ना ये भी ए हो गया ये सेंटर होगा ना ये रेडियस ये भी रेडियस ये भी रेडियस ठीक है राइट सारे अंदर 60 60 60 कौन से वाले ये तो 60 था ही इक्वल टू ट्रायंगल की वजह से ये भी 60 तो ये कितना हो जाएगा ये भी 60 है ना सिमिलरली ये भी 60 अब एक चीज देखो मैं कुछ शेडिंग करने जा रहा हूं ये वाला एरिया दिख रहा है सबको दिख गया दैट इज अ सेक्टर एरिया तो दैट इज 60 डिग्री कितना होगा 60 into pi a square. What about this area? ये वाला. Same. Same हो? इसको भी add करो. Into 2. What about this triangle area? 3 by 4 a square. ये भी हो गया. अब क्या बचा? कुछ बाहर. बाहर वाला ये पूरा. उसका angle कितना? 300 degree. उसके लिए क्या हो गया? 300 by 360 into pi. और उसका radius ध्यान रखना 2a. ये पूरा है 360 उसमें पाई 2 है इसमें और ये अंदर अलग अलग नहीं है कुछ कॉमन है यहाँ पर थोड़ा दूसरे तरीके से निकाल दिया वो तो कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ना पहले भी ऐसे कर ही सकते थे हमने जो पहले मेथड इस्तेमाल किया वो अलग है ये अलग सिंपलीफाई करते हैं इसको फिर इस 5 बाय 6 इनटू पाई इनटू 4 स्क्वायर प्लस ये 16 टू 2 ये 3 हो जाएगा सो 5 बाय 3 a स्क्वायर प्लस रूट 2 बाय 4 a स्क्वायर तो ये सब ऐड कर दो तो ये 2 और ये 3 सो 5 ना 10 11 बाय 3 pi a स्क्वायर प्लस रूट 3 बाय 4 a स्क्वायर ये तो सर्कल के क्वेश्चन हो गए बाहर बाहर से ही अंदर तो अभी है ही नहीं है चलो अपना दिन जाता है अंदर की प्रॉब्लम चेक करो
इसमें दो चीजें होंगी, एक एंगल रिलेटेड प्रॉपर्टी और दूसरा साइड या लेंथ रिलेटेड प्रॉपर्टी। सबसे पहले कोई भी एक सर्फेस के ऊपर बाहर के किसी पॉइंट से कितनी लाइन खींच सकते हो, इसलिए यहां से शूट करते हैं कितनी लाइन होंगी, और जो कट करने वाली है वो कितनी हो सकती है, जो लाइन है दो पॉइंट पे कट करती है उन लाइन को हम बोलते हैं सीक्वेंट, जो टच करती है उनको हम बोलते हैं टैंजेंट। सीकेंट का जो हिस्सा सर्कल के अंदर होता है दैट लाइन सेगमेंट लेंथ इज कॉल्ड कॉट। टैंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करता है उस पॉइंट पे जो रेडियस होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा, रेडियस नहीं जो पर्टिकुलर रेडियस उस पॉइंट पे टच करेगा। अब अगला कॉट, कोई भी कॉट सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, उन हिस्सों का नाम है सेगमेंट। अगर कॉट So, अगर डायमीटर है तो डायमीटर विल ऑलवेज डिवाइड दी सर्कल इनटू टू इक्वल सेगमेंट्स, है ना? उसके अलावा कोई भी दूसरा होगा तो दो अनइक्वल सेगमेंट बनेंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, बड़े वाले को मेजर सेगमेंट, ठीक है, छोटे वाले को माइनर सेगमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसके एंगल से रिलेटेड, मान लो अगर ये ए है ये बी है, टेक एनी पॉइंट इन अ पर्टिकुलर सेगमेंट कोई भी पॉइंट और उसको इसके एंड पॉइंट से जॉइन करो, आपको कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, जैसे इट इज अल्फा। अब ये पॉइंट पी अगर मैं यहां कहीं पे भी लूंगा, ठीक है, तो एंगल सेम ही रहेगा अल्फा। सो इन द सेम सेगमेंट वेयर आई विल टेक अ पॉइंट एंड सबट्रैक्ट एन एंगल फ्रॉम द कॉर्ड, द एंगल इज गोइंग टू बी अल्फा, सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू अल्फा, या इन दिस केस अल्फा वी टेक। सिमिलर माइनस सेगमेंट अगर करोगे उसमें भी दैट विल बी अल्फा, ठीक है, won't be alpha but it will remain same in that segment. So if this is Q and this angle is beta, then this angle is also beta. Okay. Exactly. So unequal segment will be unequal angles. Major segment will be angle of alpha, it will always be acute angle. Minor segment will be angle of beta, it will always be obtuse angle. Hence, diameter in case the equal segment will be, it is always equal to 90 degree. Okay, no cases na? Hence, it can also be seen that alpha plus beta is always equal to 180 degree, which we have already discussed in case of cyclic angular bends. So, for any chord, the sum of major segment angle and minor segment angle has to be 180 degree. अच्छा, तो ये तो हो गया segment angle. Center angle भी कुछ होगा? जैसे segment angle, angle at circumference. Center angle, angle center. मान लो अगर एक सर्कल है, एक क्वाड, सेंटर पर हमने एंगल बना दिया, जैसे ये वाला अल्फा एंड ये वाला बीटा, ठीक है, यहाँ सेंटर पर तो कितना कुछ एंगल होगा, जैसे दिस इज ए दिस इज बी दिस इज ओ, सेंटर पर अगर एंगल बनाओगे वन तो इस तरफ का एंगल इधर के एंगल का डबल होगा और इस तरफ का एंगल इधर के एंगल का डबल होगा। सो एंगल एट द सेंटर इज double of angle of the circumference in opposite segment. So, अगर ये alpha है, तो ये 2 alpha होगा। ये beta है, तो ये 2 beta होगा। In fact, यहीं से 2 alpha plus 2 beta जो है, वो 360 होता है। और इसकी वजह से alpha plus beta जो है, वो 180 degree होता है। समझ रहे हैं? ठीक है? So, ये हो गया। I think angle का सारा relation। तो आप चाहो तो every angle can be presented in terms of alpha। ये अल्फा ये 12 का ये वाला 80 माइनस है ना, इसी एक के काम से मतलब एक एंगल दिया तो बाकी सारे निकाल सकते। नाउ लेट्स लुक एट सम मोर थिंग्स, लुक एट ए को एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी दोनों रेडियस है,
टोटल एंगल आइसोसेल्स हो गया, ये एंगल अगर 12 था तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, और ये माइनस 12 8 यानी क्या होगा 90 माइनस ये वाला भी 90 डिग्री माइनस है। एक बात ये हो, एक और बात हो सकती है, आइसोसेल्स एंगल में जब हम परपेंडिकुलर आते हैं कहां से, इक्वल साइड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सामने वाली साइड पर, तो हमेशा सामने वाली साइड पर इक्वल पास करेगा, ठीक डिवाइड करता हूं तो इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर गिवन दिस एंगल विल बी 90 डिग्री एंड ये एंगल दो इक्वल पार्ट्स में बट जाएगा अल्फा वहां से भी निकाल सकते हो कि साइन वाला एंगल जो है 90 माइनस अल्फा होगा। अब एक काम करो, चलिए काम करते हैं, दूसरा डायग्राम बनाते हैं, एक कॉर्ड ले लो ए बी और ए और बी दोनों ही पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ड्रॉ टेंजेंट एट बोथ ए एंड बी, है ना, डायमीटर अगर डायमीटर होगा तो पैरेलल हो जाएंगे, उसके अलावा आगे से मिलेंगे और अगर मिलेंगे तो किधर मिलेंगे, हमेशा छोटा वाले साइड में उतरना, ये लॉ दिस मीन ऑन द साइड ऑफ माइनस है। अब एक काम करो, लेट्स से इसका जो मेजर सेगमेंट एंगल था, लेट्स से ये अल्फा, इसका जो सेंट्रल एंगल था वो 12 था, ये ओ है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये l by 2 और ये l by 2 ऐसा हो गया, इफेक्ट इसको ऐसा थियरी ऑफ याद रखोगे दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोर डिवाइड द कोर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अच्छा अब आगे एक इंटरेस्टिंग बात, अगर इसको मैं एक्सटेंड करूंगा तो पता कहां जा रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जाएगा इसमें, तो हमारी कलाकारी कितनी भी खराब हो जाएगा तो उसी पॉइंट से। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ध्यान से चीजें देख सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बट सारे क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट दिस सर्कल का प्रॉपर्टी तो खत्म हो गया, इसके बाद जो भी चीजें होंगी वो ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, नो दिस इज अ दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दीस टू आर कॉन्ग्रुएंट, दीस टू आर कॉन्ग्रुएंट, सारा कुछ से this way only c is 90 minus alpha, b wala angle kitna ho gaya alpha, similarly this also is 90 minus alpha, b wala kitna ho gaya alpha, theek hai, right, agar ye triangle a point hum t le le to triangle otb and triangle btn dekho to similar hai aisa, are ye kya hai alpha alpha hai kya 90 is similar ji sir aap se bole कैसे वो होते देख सकते हैं, ये कितना है 90, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, तो ऐसे आप मजे लेते जा सकते हो, एक एंगल पता है दूसरा कोई भी एंगल पूछा जा सकता है, दिखा सकते हो, और एक बात अगर ये ट्रायंगल ए एंड बी आइसोसेल्स ट्रायंगल क्यों अल्फा अल्फा, इसका मतलब ए एंड बी इक्वल टू सो जो मर्जी आप इसमें करने जा सकते हो, मतलब पूछा जा सकता है, जैसे तो इसको डायग्राम को याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मान लो क्वेश्चन अगर ऐसा दिया हो कि एक सर्कल है, यहां से एक टेंजेंट हमने ऐसे ड्रॉ किया और यहां से हमने ऐसे ड्रॉ किया, दिस एंगल इज 70 डिग्री, फाइंड दिस एंगल, ये एंगल सबसे पहले सेंटर ले लो ना, ये क्या सेंटर, ये क्या सेंटर, तो ये एंगल 90, ये भी 90 है ना, तो 90 90 180 तो 70, ये 110 ये वाला होगा, तो सेंटर पे तो उसके ऊपर वाला ये 55 होगा, आधा होगा ना, तो वो अगर 55 है तो ये वाला 180 माइनस 55 होगा, है ना, सो इट इज 125 ऐसा, ठीक है,
सेंटर एंगल जो है इसके पीछे वाला सेगमेंट एंगल वो उसका आधा होगा राइट 110 का आधा 55। फिर ये बीच का कॉर्ड मैंने ड्रॉ नहीं किया बट इसके लिए मेजर सेगमेंट एंगल ये माइनस सेगमेंट एंगल जैसे हमने बोला कोई भी कॉर्ड सेंटर के जितना नजदीक हो उतना बड़ा होगा जितना दूर होगा उतना छोटा होगा। इसका एक और मतलब है इसका एक और मतलब ये है कि अगर इक्वल लेंथ के कॉर्ड हुए तो सर्कल में किसी भी जगह पे हो उनका लेंथ सेम होगा उनका डिस्टेंस सेम होगा सेंटर से डिस्टेंस सेम होगा। ऐसा बोल सकते हैं अगर इक्वल कॉर्ड्स अगर ये एल है ये भी एल है ये पी है ये भी पी होगा equal chords are at equal distance from center. जगह कोई सी भी हो पोजिशन कोई सा भी हो अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे ठीक है अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे सेम लेंथ का कॉर्ड है तो सेम परपेंडिकुलर लेंथ आएगा छोटा कॉर्ड होगा तो ज्यादा आएगा डिस्टेंस सेंटर से बड़ा कॉर्ड होगा तो आपस का रिलेशन होता है। पहली बात तो ये ई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को देखो ई पॉइंट से कितने पॉइंट्स पास कर सकता है उन सब पे रूल लगेगा कैसे EA into EB, what is this? It is the product of parts of a chord passing through a point inside the circle. Product of parts of the chord passing through any point inside the circle. That is always a constant. So EA into EB should be equal to EC into EB. You know, so pattern is such that all the distances should be measured from the point of intersection. मान लो अगर एक और chord इधर ले लिया ऐसे MN तो क्या होगा? That should be equal to EM into EN and चलता ही जाएगा आपको इसकी दो काफी हम देखते हैं कि अगर कोई parts intersect कर रहे हैं तो उनके जो parts का product बनेगा वो constant है ठीक है राइट ये तो अंदर मिले अगर अंदर नहीं मिले तो बाहर मिलेंगे इधर पैरेलल तो कभी भी नहीं मिलेंगे लेकिन अगर पैरेलल नहीं है और अंदर नहीं मिल रहा है तो बाहर मिलेंगे। से फॉर एग्जांपल अगर हम एक कॉर्ड को उठा के यहाँ रखते हैं और एक कॉर्ड को यहाँ रखते हैं उसको बाहर एक्सटेंड करेंगे तो मिल जाएंगे है ना। जैसे दिस इज ए बी दिस इज सी बी लेट्स कॉल दिस पॉइंट ई क्या होगा स्टिल द सेम प्रॉपर्टी एग्जैक्टली द सेम प्रॉपर्टी पोजिशन ध्यान से देखो और उसको पढ़ो कहां पे है ई ए इंटू ई बी In this case, it is external illusion. है ना? But order वही रहेगा. जैसे यहाँ पे था EA into EB, यहाँ पे भी EA into EB. Should be equal to EC into EB. और ऐसा चलता रहेगा. ये E से कितने सी के खींच सकते हो बहुत सारे. तो सबके लिए यही लेंथ का प्रॉब्लम रहेगा. अब क्योंकि अभी E पॉइंट बाहर है तो यहाँ से तो हम पहले भी खींच सकते हैं ना टैंजेंट भी खींच सकते हैं ठीक है सब होते टैंजेंट लेते इसके अंदर अच्छा दो टैंजेंट खींच सकते हैं जैसे जैसे ई एन एस जो के ई एम या ई एन ये कोई भी एक कॉर्ड ले लो जैसे ये ए मारा इसको यहां से पकड़ के ई से फिक्स करके पुश करो ऊपर की तरफ क्या होगा ए इधर आएगा बी इधर आएगा और एक टाइम पे दोनों एम पे आ जाएंगे सो ई ए विल बिकम ई एन ई बी विल बिकम ई एन सो क्या बना आपस का लेंथ का रिलेशन बन गया ना बाहर के किसी पॉइंट से अगर लाइन खींचते हैं तो ऐसा सुंदर है ना मतलब सी मोर देन थ्योरी इट इज आल्सो अबाउट लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कि पुश करे तो इधर आ जाएगा दोनों ही इक्वल हो जाएंगे उस पर्टिकुलर केस के बाकी केसेस में अलग अलग लेंथ ठीक है डायमीटर होगा तो क्या होगा एक तरफ का डिस्टेंस और फिर उस पर डायमीटर एड हो जाएगा
अभी छोटा सा क्वेश्चन ऐसा है, मान लो ये एक सर्कल है, ये एक टैंजेंट है और ये एक सीक्वेंस है, दिस इज पी क्यू आर एस, दिस इज 12, दिस इज 9, दिस इज x, फाइंड x. क्या होगा, रूल क्या बनेगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर इंटू पी एस, नॉट आर एस, पी आर इंटू पी एस. पी क्यू स्क्वायर इज 12 स्क्वायर, पी आर इज 9, BS is 9 plus X. 12 square is 144. 144 by 9 is 16. 9 plus X is equal to 7. So the answer to the question will be 7 X. Normally, it's going to be 10 plus 8. Okay? Equation is common with that. An arc of base length 24 centimeter is standing vertically on a table. Maximum height of the arc from table is 6 centimeters. Find the height of arc from the table at a distance 3 centimeters from one of the ends. I will draw a circle first. Okay? एंड ये हमारा टेबल सर्फेस हो गया, राइट. यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है ना. इसका हाईएस्ट पॉइंट अगर ये रहा तो ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक. और हाईएस्ट पॉइंट वाला जो मैं पूरी लाइन ड्रॉ किया है मैंने, इट मस्ट पास टू द डायमीटर, आई मस्ट पास टू द सेंटर, ये सेंटर हो गया. और सेंटर से अगर किया है और ये हाइट है तो परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर, ठीक है. व्हाट अबाउट दिस, ठीक है, रेडियस, रेडियस है, लेट्स से रेडियस इज आर, ये वाला लेंथ कितना रहेगा, आर माइनस 6, सो आर भी डलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, सो इट विल बी आर माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ऐसा होगा, तो पहले आर की वैल्यू निकालो, आर की वैल्यू निकालोगे तो ये आर स्क्वायर माइनस 12 आर प्लस 26 प्लस 144 इक्वल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल, सो 12 आर इक्वल टू 180, आर इक्वल टू 15 है. सो आर अगर 15 है तो ये लेंथ 15 सेंटीमीटर, ये लेंथ 9 सेंटीमीटर है ना, कौन सा ये वाला, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि यहां से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो हाइट है ये पूछा है ना, तो इसको अगर मैं पूरा एक्सटेंड करूं वो भी एक ऑड बन जाएगा, पहले लोगों ने क्या किया वो भी ऑड तो बना ना. दिस लेंथ इज गिवन 3 सेंटीमीटर. अब देखो जरा एक बार ध्यान से समझो, देखो व्हाट इज दिस लेंथ, 9 सेंटीमीटर. व्हाट इज दिस लेंथ, 9 सेंटीमीटर. व्हाट इज दिस एंगल, 90 डिग्री. ओ और ये दिस मस्ट बी 90 डिग्री, सो अगर मैं यहां से भी एक परपेंडिकुलर डाल दूं तो इट बिकम्स अ स्क्वायर, होगा स्क्वायर, रेक्टेंगल होगा, सारे साइड इक्वल होंगे. उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा ये होगा कि ये लेंथ कितना बन गया, 9. यहां से यहां कितना बना, 9, ठीक है. हमने एक छोटा सा प्रॉपर्टी किया था दैट इक्वल कॉस मस्ट बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड वाइस वर्सा. हियर ये कॉर्ड जो है वो सेंटर से कितनी दूरी पे है, 9. ये वाला कॉर्ड सेंटर से कितनी दूरी पे है, तो दोनों का लेंथ सेम होगा, वो कितना है 24, तो ये भी कितना होगा 24, और ये परपेंडिकुलर डाला है ऊपर वाला पार्ट कितना हो जाएगा हाफ, यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना हो गया 12,
उसमें से नीचे वाला 9 ये वाला कितना बचा 3